के सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ एक ऐसा मंत्र जो पूरे वर्ष भर आपको बचाएगा हर प्रकार की परेशानी से, रोग से, चिंता से, तनाव से, नुकसान से, एक्सीडेंट से, कोई भी परेशानी हो उस परेशानी से आप बच सकते हैं, नकारात्मक एनर्जी से। और भूतों प्रेतों का तो ऐसा कहना है कि यदि आप जो विधि हम बताने जा रहे हैं उस विधि से यदि आपने होली की इस रात को इस मंत्र का जाप कर लिया तो भूत प्रेत आपके घर, प्रतिष्ठान, परिवार में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे। घुसना तो दूर, वो आपके घर के पास से भी गुजरना नहीं चाहेंगे, डरेंगे, डर लगेगा। तो आइए शेयर करते हैं कि ये क्या विधि है और किस प्रकार से इसको करना पड़ेगा। तो पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जो यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत लाभ में रहेंगे। मित्रों, इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल एस्ट्रो कमल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, और ये एक पुण्य का काम है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि मित्रों, न तो मुझे इसमें कोई पैसा मिलता है और न आपका शेयर करने में कोई पैसा जाता है। ये पुण्य का काम है, समाज की सेवा है, और हमको समाज की सेवा में अग्रगण्य होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो वो क्या ऐसी विधि है जिससे हम पूरी साल बच सकते हैं? ये जो मंत्र मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो मंत्र 31 दिन में 125,000 बार जपते हैं, और वो भी पूरे विधि विधान के साथ, तब ये मंत्र सिद्ध होता है। परंतु होली की इस रात को ये मंत्र सिर्फ आपके 108 बार जपने से ही सिद्ध हो जाता है। कारण है कि होली की इस रात को ये एक मंत्र ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हर्षित होता है, और जब कोई मंत्र जिस तिथि, जिस वार, जिस नक्षत्र, जिस त्यौहार, जिस पर्व में हर्षित होता है, यदि उस वक्त उस मंत्र को जप लिया जाए तो वो मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और बहुत कम सूक्ष्म समय में आपको अपने फल देता है। जैसे वीडियो कोई बनाते हैं तो उस वीडियो में, जैसे वीडियो 1000 MB का होता है, कोई 600-700 MB का होता है, लेकिन कंप्रेसर में डाल देने के बाद वही वीडियो 25-30 MB तक चला जाता है बिना क्वालिटी गिरे। उसी तरह से ये मंत्र जो होते हैं, ये मंत्र भी एक तिथि वार नक्षत्र विशेष में, एक पर्व काल विशेष में ऐसे कंप्रेस्ड हो जाते हैं कि थोड़े से जप करने से ही आपको अपना पूरा प्रभाव, पूरा फल देने में सक्षम रहते हैं। तो इसमें करना क्या है कि इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको खास ख्याल रखनी है। पहले तो ये है कि जब आप होली का दहन करने जाएं तो आपके पास क्या होता है, बहुत लोग अपन जो घर से जाते हैं होली का दहन करने के लिए तो अपने कंडे वगैरह साथ लेके जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि उन कंडों पर थोड़ा थोड़ा गाय का शुद्ध घी आप डाल दें, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गाय का शुद्ध घी आप डाल दें, फिर उन कंडों को आप होली का दहन करने के लिए ले जाएं। साथ में ले जाएं थोड़ा सा कपूर, वो कपूर आपको होली में, जलती होली में डाल देना, हो गया। अब वहां से आपको क्या करना है, वहां से लानी है वो आग। होली दहन के पश्चात वो जो आग होती है वो हम सब लोग अपने घरों में लेके आते हैं किसी पात्र विशेष में, तो वो आग आपको लानी है घर पे। घर पे आग लाके गाय के गोबर से एक घर में कोई एक स्थान चुन लीजिए, उस स्थान को आप थोड़ा सा पहले लीप लीजिएगा। लीप लेने के बाद में उस स्थान पर कुमकुम वगैरह डाल करके एक वेदी बनाइए छोटी सी, और उस वेदी बनाने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको गाय के गोबर के कंडे लेने हैं, शुद्ध गाय के गोबर के कंडे, याद रखें, और शुद्ध गाय का घी, आरती कपूर, ये 3 चीज़ें उसमें विशेष चाहिए होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको हवन करना है। हवन करते जाइए और इस मंत्र को बोलते जाइए, क्योंकि इस मंत्र में स्वाहा पहले से ही है, इसलिए आपको अलग से स्वाहा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपके घर में जो भी कोई व्यक्ति हो जिससे मंत्र आसानी से याद हो जाता हो, वो व्यक्ति इस कार्य में प्रधान बने।
और वो व्यक्ति हवन शुरू करें। हवन शुरू करने के पश्चात 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आपको हवन करना है। अब आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब सदस्यों से 3-3 आहुति इस हवन में आपको इस मंत्र के द्वारा देनी है। यदि परिवार के अन्य सदस्यों को मंत्र नहीं आता है तो जिसको मंत्र आता है या जिसने भी इस मंत्र को याद किया है वो व्यक्ति क्या करें, वो व्यक्ति 3 बार मंत्र बोलता जाए और 3-3 आहुति परिवार के सदस्यों से लगवाता जाए। हो गया ये काम। होने के पश्चात में ये आग जब ठंडी हो जाए सुबह तो इस आग को आपको सुरक्षित रखना है। अब इस आग से क्या करना है, 3 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके थोड़ी सी आग आप पानी में डाल के, थोड़ी सी राख आप पानी में डाल करके और उस पानी से पूरे घर में छींटे दीजिए। पूरे घर में छींटे देंगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी पिशाच चुड़ैल जिन्न कोई भी आपके घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि आपका प्रतिष्ठान नजरदोष का शिकार होता है, आपका प्रतिष्ठान तांत्रिक क्रियाओं का शिकार होता है, आपकी दुकान में ग्राहक चढ़ते हैं लेकिन सामान नहीं लेते, ग्राहक चढ़ते ही नहीं हो, कोई किया कराया हो, तांत्रिक टोने टोट के चलते हो, तो इस मंत्र से 3 बार पानी को अभिमंत्रित करके थोड़ी सी उसमें राख ये मिला करके अपने प्रतिष्ठान पर छिड़क दीजिए। जो भी कोई किया कराया होगा, कोई भी टोना टोट का होगा, तुरंत उसका परिहार्य हो जाएगा, तुरंत उसका इलाज हो जाएगा और वो टोना कट जाएगा। कोई भी बीमार हो तो उसको थोड़ी सी राख पानी में मिलाकर 3 बार इस पानी से अभिमंत्रित करके उनको पिलाइए, उनके स्वास्थ्य में उत्तम लाभ प्राप्त होगा। कोई भी काम यदि आपका लंबित पड़ा हो, काम नहीं हो रहा हो, कोई परेशानी आपको हो, आप डिप्रेशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, तो इस राख को तांबे के ताबीज में आप मंडवा करके अपने बाजू पर पहन लीजिएगा। राइट हैंड जो होता है, राइट हैंड के बाजू पर आप तांबे के ताबीज में इस राख को मंडवा करके पहन लीजिएगा। इससे आपका तनाव दूर होगा, मानसिक शांति मिलेगी और आपके कामों में आपको प्रगति मिलेगी। इस तरह से ये मंत्र आपके सब कामों को आसानी से कर देगा। ये मंत्र है भगवान नरसिंह से संबंधित। भगवान नरसिंह होली की इस रात को प्रहलाद जी को बचाने के लिए उत्सुक होते हैं, तो प्रहलाद जी को बचाने के लिए जो कृपा वो करते हैं, इसलिए ये मंत्र सबसे ज़्यादा हर्षित है। और मैं आपको बता दूं कि भगवान नरसिंह का स्मरण भगवान श्री हनुमान जी ने भी किया था जब वो लंका की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जब सीता माता की सुध लाने के लिए प्रयाण किया था, प्रस्थान किया था, तो इस नरसिंह भगवान का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया था। सुंदरकांड में आता है लंक ही चले हु सुमिर नरहरी। नरहरी का मतलब होता है वो जो नर भी है और हरी यानी सिंह भी है। तो भगवान हनुमान जी ने भी नरसिंह भगवान का आह्वान किया था, किसी प्रकार की आपदा नहीं आए और हर प्रकार की मुसीबतों में उन्हें विजय मिले, हर प्रकार के संघर्ष में वो विजेता रहे, इसलिए उन्होंने भी नरसिंह भगवान का आह्वान किया था। तो आप भी इस रात्रि को नरसिंह भगवान का आह्वान करके अपने आप को हर प्रकार की मुसीबत से बचा। तो ठीक है, मैं अब मंत्र आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से इस मंत्र को सुन लीजिए। ओम नरसिंहाय हिरण्यकश्यपु वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी कूलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठ ठ ठ एहि एही रुद्र आज्ञा पयति स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको विधि विधान से जाप करना जो भी बताया। तो मित्रों श्योर है, ये बात निश्चित है कि आपको पूरे साल में बुखार भी नहीं आएगा, हर प्रकार की बीमारी से आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही जय श्री कृष्णा।